संक्रमण को रोकेंगे। हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को सुरक्षा और सम्मान देकर के स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, तब समाज का हर तबका प्रतिनिधित्व पाएगा। और आज आप सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री, श्री सकलदीप राजभर राज्यसभा के सांसद हैं, श्री विजय राजभर विधायक हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग में दो दो सदस्य हैं, ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य ब्लॉक प्रमुख इन सभी पदों पर विराजमान हैं, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यकर्ता का समायोजन तब हो पा रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस तेली ग्लोरियस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज भाजपा के द्वारा तेली साहू राठौर समाज का प्रतिनिधि सम्मेलन लखनऊ में आयोजित हुआ। दोस्तों, ये आयोजन एकदम फ्लॉप साबित हुआ। पहली बात तो ये आयोजन ही फर्जी है। योगी जी के पास तेली समाज के बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे, जबकि आज ही उन्होंने राजभर समाज का भी सम्मेलन हुआ है। खूब पटापट बोले हैं कि राजभर समाज को ये दिया, कैबिनेट बनाया, राज्यसभा मंत्री बनाया, विधायक बनाए, लेकिन तेली समाज के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। एक विधायक बने, वो भी उन्होंने भी सपा ज्वाइन कर ली। आखिर कब तक वो भी इंतजार करते कि उन्हें कहीं पर सम्मान दिया जाए। आज फिर से चुनाव आने को है, तो इस गढ़ इंतजार देखते देखते उन्होंने सपा ज्वाइन कर ली। और दूसरी बात, ये लोग भाजपा को वोट दिलवाएंगे। तेली समाज के ऊपर इतना अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, जमीनें छीन ली गईं, लूट लिया गया, प्रताड़ित किया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा। प्रताड़ना के कारण महिलाओं ने फांसी लगाई। चलिए, मैं एक दो के जो है नाम भी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इन लोगों ने किसी को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। तो ये कैसे आपको वोट दिला सकते हैं, या इनके कहने पे कोई वोट देगा तेली समाज का? अब वो तेली समाज वो नहीं रह गया है। तेली समाज अब जागरूक हो चुका है। विधायक राकेश राठौर जी ने एक तेली समाज के बीच जागरूकता का दीपक जलाया है, और वह हर जगह जा जाकर ये लोगों को कैसे सम्मान, बिजनेस, खेलकूद और शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। अभी तक जो होता हुआ आया है, 95% तेली हमेशा से भाजपा को ही वोट देता था, जबकि वो ना तो रामेश्वर तेली को जानता था, ये संगमलाल गुप्ता जी को, कोई भी प्रतिनिधि या किसी भी प्रतिनिधि को तेली नहीं जानता था, फिर भी वोट देता था। लेकिन अब जानता है राकेश राठौर को, वजह से वह अन्य तेली समाज के प्रतिनिधियों को भी जानने लगा है। लेकिन तेली समाज पर अत्याचार की, दोस्तों, जो भाजपा से तेली समाज के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने तेली समाज के न्याय के लिए कभी आवाज़ उठाई है या अत्याचार के खिलाफ कभी बोले हैं? चलिए, मैं एक दो नाम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्या क्या अत्याचार हुआ, और सभी तेली समाज के प्रतिनिधि मूक दर्शक बने रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं विवेक तिवारी कांड में। हिंदू धर्म की महान बेटी कंगना रनावत के मकान पर जो बुलडोजर चलाया, या इन चीज़ों का विशेष ध्यान रहता है। लो, 2017 में प्रयागराज के ग्राम अब हम बात करते हैं 2017 की 2017 में प्रयागराज के ग्राम चूड़ापुर में बबीता साहू के परिवार के चार लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। नंबर दो,
जिला महाराजागंज में अनीता साहू की के भाई की हत्या कर दी गई और उसके भाई की हत्या के आरोप में उसके पिता उसके भाई को ही उल्टा जेल में डाल दिया गया। नंबर 3, प्रयागराज में शहीद ततैया गांव में शिखा साहू ने अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 बलात्कारियों की हत्या कर दी। उसे इनाम देने की बजाय उसी को उल्टा जेल में डाल दिया गया। काश शिखा की जगह शिखा तिवारी होता या शिखा सिंह होता या शिखा सोलंकी होता तो यह भाजपा सरकार 1 करोड़ रुपए का इनाम देती और सरकार नौकरी भी देती। यार क्या लेने, ये तो सिर्फ तेली है ना, तेली को ज़्यादा तवज्जो ही नहीं देते हैं। नंबर 4, गोंडा ज़िले में सुनील साहू की हत्या कर दी गई और उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया। आज तक उसे कोई न्याय नहीं मिला। उसके परिवार को कोई न्याय नहीं मिला। नंबर 5, कानपुर में विनोद कटियार नामक एक विधायक ने राहुल राठौर की ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। आज तक उसे न्याय नहीं मिला। नंबर 6, इटावा में संजीव राठौर के परिवार की लगभग 87 बीघा ज़मीन पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने कब्जा कर लिया। आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। नंबर 7, जिला सीतापुर में, नहीं, ये तो घटना हमारे शाहजहाँपुर की है, प्रीति राठौर को बलात्कार किया गया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। उसे आज तक न्याय नहीं मिला और कुछ समय के इन सभी घटनाओं में ना तो किसी को मुआवजा मिला है, जबकि उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी लगभग 5% से ऊपर है और हमारा वोट भाजपा के लिए ही जाता है, तब भी हमारे समाज का शोषण हो रहा है और खुद संगमलाल गुप्ता जी सांसद प्रतापगढ़ राष्ट्र महामंत्री जी के ऊपर अभी लोगों ने लात घूंसे चलाए। जो लोग अपना ही न्याय उच्च स्तरीय पद पर बैठकर नहीं करा पा रहे हैं वे समाज को क्या न्याय दिला पाएंगे। माननीय ज़्यादा समय की ये तो हो गई बहुत पुरानी बातें, लेकिन आज ही श्रद्धा गुप्ता को एक बैंक अफसर हैं, बैंक मैनेजर हैं और उन्हें काफ़ी दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा था पुलिस प्रशासन के द्वारा। तंग आकर उन्होंने फांसी लगाई और सुसाइड लेटर भी लिख कर गए।